नमस्ते, कैसे आप सब लोग। हार्ट्स मैजिक के साथ में सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग। तो क्या है रिचुअल और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब यहां से किस तरीके से आपके डे में एक छोटा सा चेंज आ रहा है, वो आपके सिर्फ हार्ट्स मैजिक वाला आ रहा है, जिसके अंदर एक मिरर टेक्निक है जो जुड़ रही है। बीच में मैंने आप लोगों के साथ में एक टेक्निक जोड़ी थी जिसके अंदर आपको अपने ही बेस्ट वर्जन को देखना है, ठीक है। तो उस टेक्निक को हम जस्ट हल्का सा शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं मिरर पर, ठीक है। यानी कि वो टेक्निक या ये टेक्निक, अगर मैं दोनों में से कहूं तो जो लोग वो टेक्निक कर रहे हैं उसके साथ साथ अब हल्का सा चेंज लेके आएंगे, उस टेक्निक को फोन से हटा के अब आप अपने आप को फोन पर से हटा करके मिरर में लेके आएंगे, ठीक है। तो बाकी की जो हीलिंग प्रैक्टिस है वो सेम टू सेम है। आप सुबह सुबह उठते हैं, आपकी मैजिकल मॉर्निंग बनती है, उसके बाद में आपकी होपोनोपोनो प्रेयर होती है, फिर आपका कृतज्ञता के साथ भरा हुआ दिन शुरू होता है, फिर आपकी हीलिंग वॉक है एक, ठीक है, जो होपोनोपोनो प्रेयर के साथ में है। उसके बाद में आपका वाटर अफर्मेशन है, आपकी 10 से 11 अफर्मेशन है, उसके साथ में मैनिफेस्टेशन है, जो लोग भी मैनिफेस्टेशन मेथड यूज कर रहे हैं वो है, ये सारी चीजें एज इट इज है। सिर्फ और सिर्फ एक मिरर टेक्निक है जुड़ रही है। जादू प्रैक्टिस सेम टू सेम है जो कि कल ऐड हुआ है, आपके हार्ट का मैजिक वो सेम टू सेम है। मेडिटेशन आज मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, जो गाइडेड मेडिटेशन होगी इसकी। मेडिटेशन प्लीज सारी की सारी आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप जब चाहे तब एयरप्लेन मोड पर लगा करके उस मेडिटेशन को, किसी भी एक मेडिटेशन को पिक करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपकी जो प्रैक्टिस है हीलिंग की, सेल्फ लव की, सब एज इट इज है। सेल्फ हीलिंग में जरा सा जो चेंज है वो फोन वाली प्रैक्टिस से हट रहा है। यानी कि फोन के अंदर आपने क्या प्रैक्टिस करी थी कि आपने अपनी बेस्ट एक फोटो लगाई थी और उसको आपने प्रेज करना शुरू किया था, ठीक है, यानी कि अपने साथ प्यार करना शुरू किया था। अब उस प्रैक्टिस को आप मिरर पर लेकर के आएंगे। आपको क्या करना है, जब भी आप मिरर देखते हैं पूरे दिन में कभी भी, ठीक है, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है। आप सुबह सुबह नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उस टाइम पे आप मिरर देख रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं मिरर देखना है, ठीक है। आपको मिरर देखते हुए अपनी आंखों में देखना है और देखते देखते फील करना है कि आपका जो माइंड है, यानी कि आप देखते हैं मिरर पे ऐसे, लेकिन जो मेरा दिमाग है वो तो मैं कहीं पर भी लेके चली जाती हूँ ना, हम यादों में चले जाते हैं, हम पास्ट में ही घूमते रहते हैं, यानी कि माइंड कहीं पे भी जा सकता है ना। तो यहाँ पर मुझे देखना अपनी आंखों में है और फील करना है, दिख अभी आंखों में रहा है लेकिन मैं अपने हृदय के अंदर झांक करके ना सोच रही हूं, महसूस कर रही हूं, ठीक है। बस एक मिनट की प्रैक्टिस है, ट्रस्ट मी, आपको बस कुछ नहीं करना। ये मिरर में आप जब सुबह ब्रश वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा मुंह वगैरह आपने धो लिया, उसके बाद अपने आपको शीशे में देखिए, अपनी आंखों में आंखें डालिए और देख करके ना फील कीजिए कि आपका सारा जो माइंड है वो क्या वाह 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 सब जगह से हटके आपके दिल पे लगा हुआ है। आंखें यहां, दिमाग यहां, और अब फील करना शुरू कीजिए, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू। एंड जैसे अपने इसको 3 बार 4 बार 5 बार, गिनती की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, जितनी देर आप टाइम देना चाहते हैं दीजिए। जैसे आपको फील हुआ ना कि आपने इतनी बारी बोल दिया और लास्ट वाला जो आई लव यू है वो इतना खुश होकर आपके पास में आया, सच में ये फील होगा आपको, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आप कैसे चार्ज हो जाते हो। मैं तो ये कहूंगी कि आप मॉर्निंग में जब भी आप स्नान वगैरह कर रहे हैं, आपने ब्रश व्रश किया है, अपने फेस वॉश किया है, बेस्ट टाइम है वो, इस टाइम पर कर लीजिए। इसके अलावा जो अलग से मैं मेडिटेशन शेयर करूंगी वो आप एनी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी बहुत सिंपल है। इसका अगर गाइडेड मेडिटेशन चाहिए होगा ना तो बता दीजिएगा, कान में लगाइए और अपनी आंखों में आंखें डालिएगा, झांकिएगा और अपने हृदय पे अपने ध्यान को लेकर के जाइएगा और प्यार से बोलिएगा, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू, एकदम फूल सा खिलेगा आपके अंदर और फिर देखिएगा दिन पूरा कैसे कितने चार्ज से भर करके जाता है, ठीक है। और बाकी रही सारी की सारी प्रैक्टिस की बात, एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, सिवाय जो कल आपकी एक मेडिटेशन लगी है वो भी चेंज नहीं है। सारी की सारी मेडिटेशंस जो है ऑप्शनल है, आपके उस चार्ज को बरकरार रखने के लिए है, आप उस चीज को पूरी तरीके से फील करते हुए कर सकें इसलिए है। मेडिटेशन ऐड करने का मकसद मेरा इतना ही है, आप अपने माइंड को वो भोजन खिला पाए जो आप खुद से नहीं खिला पाते हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी मेडिटेशन को पिक करते जाएं और उसको करते जाएं और हृदय के मैजिक को आपसे ऐड कर लें, ठीक है, आएगा ना मजा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।